एग्जाम्पल सेवन देखिए। अच्छा है एग्जाम्पल सेवन, ठीक है। क्या कह रहे जरा से देखिए, कह रहा हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय थ्री, कह रहा कितने ऐसे नंबर हैं जो तीन से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि कितने ऐसे दो डिजिट के नंबर हैं जो तीन से भाग होंगे, तो एक ही को फोन करो पहले, एक तो तीन हो जाएगा, छह हो जाएगा, नौ हो जाएगा, बारह हो जाएगा, और लेकर 9999 ये मत लिख दियो भाई, ठीक है। टू डिजिट पूछा, अगर जैसे आपने ठीक है 399 लिख दिए, तो भैया वो तीन डिजिट का हो जाएगा, टू डिजिट का नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा थ्री से डिविजिबल, थ्री से भी हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर तो थ्री नहीं है, सिक्स नहीं है, नाइन नहीं है, मतलब कि जो सीरीज फॉर्म हुआ है वो सौ में सौ बन गई, ठीक है। तो एपी जो फॉर्म होगा अपना टू डिजिट का आ गया, मतलब 12। देखो टू डिजिट कहां से होता है, 10 से होता है, ठीक है। तो 10 तो डिवाइड नहीं होगा, 9 तो सिंगल डिजिट में आ जाता है, ठीक है। 11 भी नहीं होगा, 12 भी, 12 से शुरुआत होगा, 12 के बाद में 15, 18, 21 एंड 99। हमने कहा था सही लिखा था, ये सही लिखा, ठीक है। ये वाला जो हमने ये नंबर डाल दिए, ये हो गया फर्जी, ठीक है। अब फर्जी में हो जाएगा दर्जी, तो थोड़ा ध्यान रख लेना भैया, फिर हो जाएगा खर्जी। तो इसमें क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है, कितने नंबर है, क्या बोल रहा, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री, कितने नंबर है जो थ्री से डिविजिबल होंगे, कहां से लेकर 12 से लेकर 99 के बीच में, तो उसकी संख्या निकालना है, चेक करते हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म, ये रहा थर्ड टर्म, और ये रहा फोर्थ टर्म, और ये रहा en, यानी कि लास्ट, ठीक। तो चलते हैं, कॉमन डिफरेंस पता है क्या, कितना है, तीन का है, फिर भी लिख देता हूं, इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है 15 माइनस 12, सबट्रैक्ट करोगे तो 3 आ जाएगा, यहां से फिक्स नंबर भी पता चल गया, फिक्स नंबर कितना है 3 है, लास्ट टर्म दिया क्या, बिल्कुल दिया गया है 99 है, निकालना क्या है, कितना नंबर है जो तीन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, फॉर्मूला होता है ए एन कितना 99, फर्स्ट टर्म कितना है 12 है, एन माइनस वन नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस पता है 3 का, ठीक है। 12 को इधर लेके आए, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड एन माइनस वन, ठीक है। अगर हम घटा दें इसमें, जरा सा ध्यान दीजिए और घटाइए इसमें, तो 9 में से 2 चले जाएंगे 7, 9 में से 1 चला जाएगा तो जाएगा ये 8, ठीक है। अगर 3 को डिवाइड में ले आऊं तो कोई बात, एन माइनस वन इधर बच जाएगा, चेक करें, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा, ये 27 बन जाएगा, 3 9 29, तो 29 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 1 को इधर शिफ्ट करोगे 29 माइनस, तो प्लस 1 इज इक्वल टू एन, ऐड करोगे 30, तो कितने टर्म डिवाइड हो रहे हैं 3 से, 12 से लेकर 99 तक 30 टर्म हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन देयरफोर टू डिजिट नंबर, पूरा लिख नंबर डिविजिबल है, डिविजिबल डिवाइड by 3, अरे यार ये स्टेटमेंट सही नहीं है, रुको hence to visit number divisible by 3
इज 30 डन। थर्टी एन की वैल्यू कितना है? 30 आए तो 30 टन। ठीक, ये स्टेटमेंट ठीक, वो थोड़ा बड़ा अजीब था, ठीक है, लग भी रहा था अजीब अजीब से, डिवाइडेड में ऐड कर रहा था उसमें। आगे में चलेंगे और बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, धमाकेदार। ऐसा क्वेश्चन आए ना तो माइंड से करना है। और अक्सर ये क्वेश्चन क्या हमने कहा, अक्सर कहा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, कह रहा फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या कह रहा है? ये 11 निकालो, कहां से निकालो? लास्ट से निकालो। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया गया है, ये अपने को पता करना है, एपी दिया गया है। फिर से समझाऊंगा, परेशान हो। अच्छा, यहां पॉइंट नहीं होता, मैं लगा देता हूं, कोई बात नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, ये मत कह देना यार कि बेवकूफ आदमी, जाहिल इंसान, इसमें ये नहीं लिखा गया है और ऐसे लिखते हो, तमीज नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, पहले खुद पढ़ लो, तो ऐसा नहीं कहना है। ठीक, ऐसे कहना है, मर्जी का कहना है। तो हम बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है। कह रहा है हमसे 11th टर्म निकालो, कहां से निकालो? लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म। यानी कि अपने को अब एपी पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे। कहां से कह रहा है कि 11th टर्म मुझे बताओ? पीछे से, पीछे से। ठीक है, तो क्या हमारे लिए ये फर्स्ट टर्म नहीं हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा ना? अगर मैं 3 घटाऊं, 3 घटाऊं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 59 वो सेकेंड टर्म हो जाएगा, फिर 3 घटाऊंगा। अब सवाल आ गया, अरे आप 3 घटा रहे हो, कैसे घटा रहे हो भैया? तो जरा सा समझो, क्या ये हमारे लास्ट टर्म नहीं? अगर हम इधर से चलेंगे तो ये हमारा लास्ट टर्म होगा, क्या हमारे ये लास्ट टर्म नहीं है? जरा सोचो यार, हमने इंट्रो पार्ट में यही सब सारी चीजें सीखे हैं। ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया हमें 11th टर्म निकाल के बताओ, लेकिन पीछे से बताओ, आगे से नहीं। एपी बोल हमने आपको दे दिया, एपी हमने आपको दे दिया, लेकिन हमें मतलब ये नहीं है, आप मुझे पीछे से निकाल के बताओ। और सही सवाल भी है यार, अगर एपी दे दिया है तो कह रहा है 11th टर्म मुझे बताओ, फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट से चलेंगे हमारे लिए फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म 10 हो गया, और 10 से पहले वाला कौन टर्म है? ए एन माइनस वन नहीं है क्या? ए एन माइनस वन नहीं है क्या? अगर नहीं दिमाग में फंसा, ठीक है, तो जरा याद करो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे। ठीक है, आगे वाला नंबर में से पीछे वाला नंबर घटाना है, आगे वाला नंबर में से पीछे वाला नंबर को घटाना है, वही काम से हम यहां करेंगे। तो गिवन है, क्या गिवन है? A1 इज इक्वल टू 61, यानी कि A1, A1 मीन्स व्हाट? A इज इक्वल टू A1, तो A कितना है? -62 है भाई, -62। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने जाएंगे तो हमारे लिए जरा सा देख लेना, A2 क्या हुआ? यही हुआ भाई, पीछे 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 10, यानी कि A2 माइनस A1 करने वाले हैं, तो 10 माइनस माइनस, ठीक है, -7 कर देंगे, क्या आ जाएगा? आ गया 3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया अपने को, जरा सा देखना है। ठीक है, जरा सा अपने को देखना है। ठीक है, अब आगे में चलते हैं। अभी एक बात ये बता दो कि आपने तो बड़ा आराम से कर दिया, देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा ना तो आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, 3 इसमें घटाएंगे ना तो 59 आ जाएगा, 59 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, ठीक है, 62 को, यानी कि 59 पहले लिखोगे माइनस की, प्लस की 62 लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आ जाएगा। और एन आपको पहले बोल दिया है कितना है, 11 है। ठीक है, और ए एन लास्ट टर्म भैया 10 है। ठीक है, ये भी दिया गया है, निकालना क्या है, चलते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप बोलोगे यार क्या दिमाग खराब कर रहे हो, ए 11 लिखो और सीधा सीधी लिख दो, ए प्लस 11 में से एक चला जाएगा, यानी कि 10d लिखो डायरेक्ट, कहां झमेले में पढ़ रहे हो? ए 11, ए 11 अपने पास में है 10,
इज इक्वल टू ए कितना है, तो ए है -62, -62। अच्छा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ए 11 निकालना ना, यहाँ नहीं गिवन है भैया, लास्ट टर्म नहीं गिवन है, सॉरी। ठीक है, एन की वैल्यू गिवन है, प्लस 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 10 इंटू डी कितना है अपने पास, 3। ठीक है, -62, ठीक है, प्लस 30, सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये -32, यानी कि ए 11 जो टर्म है वो कितना है, 32 है। ठीक है, ए 11 कितना टर्म है, 32 टर्म है। ठीक है, ये बोला गया था, लास्ट टर्म अपने पास में नहीं गिवन था, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कि ये बाद वाला नंबर है, पहले वाला ये है, बाद वाला नंबर ये है, पहले वाला नंबर ये है, बाद वाला नंबर ये है, पहले वाला नंबर ये है। तो ये समझाने के लिए मैंने ई एन और एन, ए एन माइनस वन जो है समझाने के लिए लिखा है। दो एग्जाम्पल और अपने पास में बचे हुए हैं, उसको हम करते हैं, फिर हम मूव करेंगे एक्सरसाइज पे। पहले इसे कॉपी कर ले, हम मिटा देंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 9 और 10, एग्जाम्पल 9 है और एक एग्जाम्पल 10 है। ठीक है, एग्जाम्पल 10, ये दो है। एग्जाम्पल 9 में हमसे कह रहा है, अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, 1000 रुपये 8% की दर से जो है एक साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम एन एपी। ठीक है, अपने को क्या चेक करना है कि जो इंटरेस्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो इंटरेस्ट बन रहा है, क्या वो एक एपी को बना रहा है। ठीक है, आगे में चलते हैं। इफ इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है 30 ईयर के लिए निकालना है। ये 30 तो यहां आपको पता चल गया, ये निकालना है। ठीक, आगे हम डेटा भी देखेंगे। मेकिंग अस दिस फैक्ट, मतलब कि ऐसे समझे कि 1000 रुपया जो है वो 8% की इंटरेस्ट रेट पे जो है हर एक साल का क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है कि जो इंटरेस्ट 8% और 1000 को इन्वेस्ट किया गया है, तो क्या अगर हम पहले साल का निकाले, सेकेंड ईयर का निकाले, थर्ड ईयर का निकाले, फोर्थ ईयर का निकाले, फिफ्थ ईयर का निकाले, निकालने के बाद में क्या ये एपी बन रहा है या बना रहा है। अगर बना रहा है तो लास्ट 30 साल का अपने को निकालना है। कितना का निकालना, लास्ट यानी एंड ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, एंड ऑफ 30 ईयर्स का निकालना है। तो चेक करते हैं कि क्या फॉर्म कर रहा है। ठीक, पहले तो यार देख लो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। SI is equal to होता P into R into T divided by 100 होता है। ठीक, अगर हम जहां पे बात करें वेयर वेयर P is principal, principal है ना, और जहां पे R क्या है, रेट है परसेंट में, और T क्या है, टाइम है। ठीक, आई होप ये आप लोगों को पता होगा। ठीक, 100 में 100% पता होगा। ठीक, अब आगे में चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये चीज तो पता चल ही गया। ठीक, तो अपने को जगह उतना घेरने से क्या फायदा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये अपने पास में आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। तो प्रिंसिपल है अपने पास में गिवन 1000, रेट है अपने पास में गिवन 8%। ठीक, अब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ठीक है, फोर फर्स्ट ईयर। ठीक है, एक साल का इंटरेस्ट कितना होता है, तो 1000, रेट है 8, टाइम है एक साल का 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 10 × 8 विच इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है,
सेकेंड ईयर ये डॉट में दिया है, तो 1000 प्रिंसिपल ही रहेगा, रेट वही रहेगा, लेकिन 2 साल का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे भैया 2020 कैंसिल, ठीक है, 8 × 2 = 16, 16 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। 16 × 10 = 160, ठीक है। इंटरेस्ट निकाले थे तीसरे साल के लिए, तो तीसरे साल के लिए अगर निकालने के लिए जाएंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ टाइम के प्लेस पे चेंज करेंगे, 1000 × 8 × 3 / कितना आ जाएगा? 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 × 3 = 24, 24 को मल्टीप्लाई 10 से करोगे भाई 240 आ जाएगा, ठीक है। एपी बना रहा है क्या? चेक कर, ठीक। तो पहला आया 80, सेकंड आया है 160, थर्ड आया है 240 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो चेक कर लेते हैं कि क्या एपी बना रहा है, ठीक। तो A2 - A1 = D1, ठीक है। A2 है कितना? 160 - AD = D1, सबट्रैक्ट करोगे तो 80 आ जाएगा। सिमिलर अगर 240 में हम घटाते हैं 60 को तो भी 80 आ रहा। हाँ, एपी ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जब एपी फॉर्म कर रहा है ये, तो क्या हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं A30, ठीक है, A30 निकाल सकते हैं ना? यही कैलकुलेट कर दो, एग्जाम्पल 10 करा दूंगा उधर। तो A30 = क्या आ जाएगा? A+20 90, ठीक है। A कितना है? फर्स्ट टर्म है 80 का, प्लस 29 × 80, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी 80 है भाई। तो ये कितना आ जाएगा? 80 प्लस अगर मल्टीप्लाई करें 90, 72 का 2 हासिल रहा 7, ठीक है। जीरो नहीं लगाया, लो जी लगा दिया, घबराओ। 8 × 2 = 16, 16 + 7 = 23 होता है, ठीक है। कितना आ गया? 23। और इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 2400 इंटरेस्ट हो गया। 30 साल में जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपए का, तो वो 2400 रुपया मिलेगा, ठीक। इसको लिख लेना, ठीक। आगे में देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 में करते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक। कह रहा है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, ठीक है। एक फ्लावर बेड है जिसमें 23 रोज जो है वो पहले रोज में है, 21 इन द सेकेंड रो, कॉमा 19 इन थर्ड एंड सो ऑन, ठीक। क्या कह रहा है? कह रहा है एक फ्लावर बेड है जिसमें 23 फ्लावर जो है फर्स्ट रो में है, सेकेंड में 21 है और थर्ड में 19 है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। देखते रहना, ये एपी में फॉर्म कर दिया, समझिएगा जरा इसमें, ठीक, एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, और जो लास्ट रो है उसमें कितने फ्लावर है? 5, ठीक है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो हमें यह बताना कितनी रोज हैं इस फ्लावर बेड में, क्या बताना है, यानी कि नंबर ऑफ रोज बताना है, नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इन फ्लावर बेड, ठीक, ये हमें निकालना। सोल्यूशन लिखते हैं और चलते हैं धीरे धीरे हल्की हल्की कदम में बढ़ते हुए अपने मंजिल। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में देखें तो 2 का फर्क है, इन दोनों के बीच में देखें तो 2 का फर्क है, यानी कि कॉमन डिफरेंस अपने को पता चल गया कितना है, 2 है। फिर भी हम लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म A = always = A1, तो A कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस बात करें तो A2 - A1, तो D = A2 को देखें तो 21 - 23, D = -2, यानी कि 2 का डिफरेंस तो है लेकिन माइनस के साथ में है, याद रख लेना, ठीक है, इसलिए तो घटते जा रहा है ये। लास्ट टर्म है यानी कि एन है अपने पास में, 5 निकालना है, एन का वैल्यू बताना है, तो हम लोग जानते हैं AN = A+N - 1 × D, ठीक है। AN कितना है? 5 है, फर्स्ट टर्म कितना है? 23 है, प्लस
n माइनस वन, d कितना है माइनस टू है, 23 को इधर लेके आओ, तो 5 माइनस 23 इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एन माइनस वन। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से मिल जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एन माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दो से काट दो, दो कम दो, दोनों में 18, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9 आ गया, n इज इक्वल टू 9, ठीक है। माइनस से राइट में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 लिख रहा है, इतना जल्दी थका तो नहीं हूं यार, गलती क्यों होने लग गया, ठीक है, होता है इसी बोलने में। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 10th भी कंप्लीट किए और यहीं पे हम समाप्त करेंगे आज का लेक्चर। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय करो, मजे करो और पढ़ते, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 5.2 के हैं एग्जाम्पल वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, कॉपी।